साल 2024 कुछ अलग ही घटता हुआ दिखाई दे रहा है। टी20 वर्ल्ड कप पे 17 साल बाद भारतीय टीम ने अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा 2004 से संसद में बैठने वाले राहुल गांधी ने 2024 में आकर पहली मर्तबा एक जिम्मेदारी संभाली है और वो है लीडर ऑफ अपोजिशन का। लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, दुनिया के अन्य मुल्कों में भी पाथ ब्रेकिंग घटनाएं इस दौरान देखने को मिली है। अब ब्रिटेन के चुनाव की ही बात कर लें तो यहाँ पे ऋषि सुनक की पार्टी धराशायी हो चुकी है और 14 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यानी वनवास के बाद लेबर पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। आपको बता दें कि इसमें दो बातें बेहद ही खास हैं। एक तो ये कि इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा रही है और तकरीबन 38% महिला उम्मीदवार विजयी होकर लौट रही हैं। ब्रिटेन की सत्ता में जो लेबर पार्टी वापसी कर रही है उसका भारत के इतिहास से गहरा नाता है। 1947 में जब भारत देश आजाद हो रहा था उसमें लेबर पार्टी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि लेबर पार्टी तब ब्रिटेन की सत्ता में थी। ब्रिटेन का यह चुनाव भारत के लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गया है। भारतवंशी ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव को तगड़ी शिकस्त मिली है, जबकि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। लेबर पार्टी वही राजनीतिक दल है जिसने 1947 में भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी ने 10 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें भारत की आजादी का वादा भी था। चुनाव जीतने के बाद भारत ने दबाव बनाया और तत्कालीन सत्ताधारी दल लेबर पार्टी ने अपना वादा निभाया भी और देश की आजादी की प्रक्रिया क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में शुरू हो गई। आपको बता दें कि ब्रिटेन का चुनाव महज ऐतिहासिक एंगल से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि एक और वजह है जो काफी अहम है, और वो वजह है इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों की जीत। यूं तो ब्रिटेन की संसद में पहले भी महिला उम्मीदवारों की संख्या ठीक ठाक रही है, लेकिन इस बार सदन के भीतर इनका और ज्यादा दबदबा देखने को मिलेगा। इस बार संसद में महिलाओं की भागीदारी 38% के करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन एक लंबे समय से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। महंगाई ऐसी है कि यहाँ का नागरिक काफी परेशान है। पहले ब्रेक्जिट और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तकरीबन पस्त कर दिया है। अब चुनाव में लेबर पार्टी का नेतृत्व करने वाले रीक स्टार्मर के सामने चुनौती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की है, जिसका वादा उन्होंने जनता से किया है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए कुल 650 में से 326 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। स्टार्मर की पार्टी 326 के आंकड़ों से काफी आगे निकल चुकी है। चुनाव में शिकस्त के बाद ऋषि सुनक ने किंग्स चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और जनता से माफी मांगी है। वहीं स्टार्मर ने लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने कमिटमेंट को दोहराया है और देश को आर्थिक मुसीबत से बाहर निकालने का वादा किया है। Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. And yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. To all the Conservative candidates and campaigners who worked tirelessly but without success, I am sorry that we could not deliver what your efforts deserved. It pains me to think how many good colleagues who contributed so much to their communities and our country will now no longer sit in the House of Commons. I thank them for their hard work and their service. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. Britain mein Rishi Sunak ki party ki karari haar ke baad Bharat mein hi manthan ka daur chal raha hai. अब नजर इस बात पर टिकी है कि जो लेबर पार्टी सत्ता संभालने जा रही है उसके साथ भारत के संबंध कैसे रहने वाले हैं।
अगर वर्तमान हालात को देखें तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत भारत के लिए कई मायनों में अहमियत रखती है। इसे लेकर विदेश नीति के जानकार इसके हर पहलुओं को खंगालने में लगे हैं। माना जा रहा है कि सुनक के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते पहले की तरह ही रहे हैं। बतौर कंजर्वेटिव पार्टी सुनक ने कोई लीक से हटकर फैसला नहीं लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि चार्मर जो कि एक लेफ्ट सेंटर वाली पार्टी के वाई कर रहे हैं, इनकी सत्ता में आने के बाद से भारत ब्रिटेन के रिश्ते पहले की तरह ही कायम रहने वाले हैं। हालांकि लेबर पार्टी कश्मीर को लेकर भारत की स्टैंड से अलग राय रखती है, लेकिन हाल के चुनाव में कीर स्टार्मर ने भारत वंशियों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है। वहीं चीन मामलों पर भी लेबर पार्टी का रुख कोई खास आक्रामक नहीं रहा है। माना जा रहा है कि स्टार्मर का रुख आर्थिक स्टेबिलिटी पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। भारत के नजरिए से ब्रिटेन की सत्ता में लेबर पार्टी की वापसी करना कई मायनों में अहम है, क्योंकि यही वो पार्टी है जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो दुनिया के हर मोर्चे पर इसका विरोध किया था। लेकिन अब यह सत्ता में है और देखना है कि भारत के साथ इसके रिश्ते किस तरह से रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।